इस्लाम का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत, सबसे मजबूत अमल मोहब्बत। उठ गई, हम उम्मत नहीं है, अब हम फिरके हैं। मोहब्बत है तो हम उम्मत हैं, मोहब्बत नहीं तो हम फिरके हैं। और फिरके मेरी नजर, मेरे रब की नजर में कूड़े क्रिकेट के ढेर के सिवा कुछ नहीं, कूड़ा क्रिकेट और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा तारुफ किसी फिरके से, हाँ मेरा एक मसलक है, मेरा एक अकीदा है, मैं उस पर पाबंद हूं, लेकिन मैं औरों को उसकी दावत नहीं देता। मैं उन इस्लाम की दावत दूंगा आपको इंशाल्लाह। आप भी अपने अकीदे पर पाबंद रहो, अपने मसलक पर पाबंद रहो, लेकिन थोड़ा जहा रहा दुनिया ने भी दे छोड़ो, जन्नत बड़ी सारी है, वेली जन्नत अल्लाह चार पावन। अब बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर है, देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर है, गैर मुकल्लद कहते हैं मुकल्लद काफिर है, मुकल्लद कहते हैं गैर मुकल्लद काफिर है। हूं दसो जन्नत जावना कहें, वेली जन्नत चला की करना, भी चलो अचार पाओ। इतनी बड़ी मेरे रब की जन्नत क्यों असी तंग कर छड़ी? सर असा ही जावना, और किसे जाना ही कोई नहीं। तो मैं अपने नबी की हदीस सुना, एक दिन ऐसा आएगा मेरा अल्लाह फरमाएगा, मालिक जहन दोजक का, जहन्नम का जीएम, जनरल मैनेजर, मालिक, मालिक जिसने जिंदगी में कभी एक दफा भी मेरा नाम लिया था उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। तो हम मुसलमान होकर एक दूसरे को काफिर 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 काफिर, गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख, किसी को गुस्ताख कहना इतना आसान? और फिर ये नफरत यहां तक पहुंची है कि हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते इमाम के पीछे। कहिए ना दे पीछे नमाज होंगी नहीं, ये वाबी है। ये दीन मदीने से आया था या मुल्तान से आया था, मक्के से आया था या लाहौर से आया था? क्या जुल्म और सितम है, वो किस कदर जाहिल। मैंने खुद अपने कानों से एक क्लिप सुना कि मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, ये गुस्ताख रसूल है। मैंने अपने कानों से सुना है, मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ है। क्या मेरा रब इतना कमजोर हो गया है? मैं तो अपनी मस्जिद में अपने किसी मुखालिफ को खड़ा नहीं होने देता हूं, तुझे तो खलोवण दोगे किसे? तो मेरा रब इतना कमजोर हो गया कि अपने हबीब के मुसल्ले पर उसी के गुस्ताख को खड़ा कर दिया। अपने घर में हरम बैतुल्लाह जहां एक नमाज एक लाख के बराबर, वहां ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है? नहीं भाईयो, ये इन भाइयों को किसी ने गुमराह कर दिया है, किसी ने भटका दिया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ा करता हूं नौजवानों से आपसे कि खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, चूंकि तर्जमे मौजूद हैं हर जुबान में, कुरान का तर्जमा पढ़ो तो सही। मेरा रब की आखी जान खोल के नहीं देखते हो? अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की सीरत पढ़ो, अपने नबी की हदीस पढ़ो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि वो हस्ती क्या फरमा रहे हैं। फिर तुम बैठने वाले को पकड़ सकते हो, जनाब की बोली जानते हो? अब आपको पता ही कोई नहीं वो क्या कह रहा है, कहां से कह रहा है। भाइयों, उम्मत बन के चलो, मोहब्बत से चलो, दिल को शादा रखो। मेरा रब जिस रब से मामला है ना।